अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको आलू की टिक्की बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमने 6 बड़े साइज़ के आलू उबलने के लिए रख देने हैं फुल आंच पे। इन्हें तब तक बॉईल करना है जब तक ये अच्छी तरह से अंदर से गल ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि आलू अच्छी तरह से उबल चुके हैं, अंदर से अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसका पानी चेंज करके इसमें ठंडा पानी शामिल कर लेंगे। फिर हम इसमें से आलू अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इन सब आलू को छील लेंगे हाथ के साथ। अगर आप चाहें तो आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 6 बड़े साइज़ के बॉइल्ड आलू ले लिए, 2 हमने अंडे ले लिए, आधा हमने प्याज ले लिया जो कि बारीक कटा हुआ है, थोड़ा सा धनिया ले लिया है और इसके अंदर ही हमने एक सब्ज़ मिर्च बारीक काट ली है, आधी हमने लाल मिर्च की टीस्पून ले ली है, एक हमने मसाले की टीस्पून ले ली है, एक हमने काली मिर्च की टीस्पून ले ली है, नमक हसबे जायका ले लिया है। अब एक बड़े बोल में सारे आलू शामिल कर लेंगे। हाथ से हम अच्छी तरह से इन्हें मैश कर लेंगे आलूओं को। इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। सारे स्पाइस जो है उसे शामिल कर लेंगे और धनिया और मिर्चें शामिल कर लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये टिक्कियों का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे छोटे से बॉल में या छोटे बर्तन में ले लेंगे, सारा उसमें निकाल लेंगे। वहाँ से अब थोड़ा थोड़ा लेकर अब हम इसे टिक्की बनाना शुरू करेंगे। हमने जो 2 अंडे लिए थे हमने उन्हें फेंट लिया है अच्छी तरह से। एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और दम की आंच रखेंगे, फुल आंच नहीं, दम की आंच में इसे पकने देंगे। अब एक टिक्की लेंगे, उसे अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे दोनों तरफ से। फिर इसके बाद इसे पैन में डालते जाएंगे, बाकी भी अंडे में डिप करके पैन पे डालते जाएंगे। और गोल्डन कलर होने दे देंगे जो साइड नीचे की तरफ है। जब गोल्डन कलर हो जाएगा तो साइड पलट लेंगे हम। अब इनका तकरीबन गोल्डन कलर हो चुका है टिक्की के निचले हिस्से का, टिक्की की एक साइड का, तो इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। अब दूसरी टिक्की की दूसरी साइड को भी गोल्डन कलर ही करेंगे। अब आपकी आलू की टिक्की तैयार हो चुकी हैं। अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, पराठे के साथ, जिसे आप चाहें आप सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रेसिपी देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।